हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सुपर बेट टूर्नामेंट की है, जहां रैपिड सेक्शन में रमेश और प्रज्ञानंद का एक मुकाबला हुआ था। आई थिंक फर्स्ट राउंड में था, जैन क्रिस्टोफ डूडा के साथ। तो चलिए शुरू करता हूँ गेम को, D4 के साथ। यहाँ जैन क्रिस्टोफ डूडा ने शुरू किया। प्रज्ञानंद का रिस्पॉन्स क्या? Nf6 का आया, C4 हुआ, देन E6, Nf3, बिशप से आई चेक। तो इसको रोकने के लिए बिशप बीच में लगा, बोगो इंडियन डिफेंस। क्वीन Ie7 स्क्वायर पर, देन G3, बिशप टेक्स D2, नाइट टेक्स D2, देन D6, बिशप आया G2 स्क्वायर पर। और इसके बाद दोनों साइड इसका कैसल आया, परफेक्ट ओपनिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। E5, देन E4 ऑब्वियस है, A5, देन H3, नाइट C6। तो D5 यहाँ पहले नाइट पर अटैक बनाया ब्लैक ने, नाइट कहाँ जाए, गया B4 स्क्वायर पर, देन वो A3 और नाइट ठीक है यहाँ तक A6 स्क्वायर पर चला गया। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर ये दोनों रुक अभी कनेक्टेड नहीं है, तो इस पॉइंट पर व्हाइट अपने इस बी पॉन को आगे पुश करना अफोर्ड कर सकता है। रुक अनडिफेंडेड है, अगर मटेरियल एक्सचेंज होता है तो नाइट फाइनली एक पॉन को नहीं ले पाएगा, अदरवाइज रुको आना पड़ेगा। बड़ा सिंपल मूव है। बिशप D7, देन क्वीन Ib3 स्क्वायर पर, ताकि स्क्वायर B4 स्क्वायर का स्ट्रॉन्ग डिफेंस रह सके। C6, देन रुक गोज टू C1, 8xb4, 8xb4, देन हुआ C5, पॉन एक्सचेंज आस्किंग है। और अगर होता है तो नाइट को एक अच्छी आउटपोस्ट मिल जाती है, लेकिन B5 दोबारा नाइट पर अटैक, नाइट को अच्छी आउटपोस्ट मिली, गया B4 स्क्वायर। लेकिन हाँ, थोड़ा है प्रॉब्लम में, क्वीन अगर दाएं बाएं हुई तो कुछ भी हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है। खैर, नाइट E1 के ऑप्शन को पहले यहां पर डूडा ने चुना, देन हुआ H5, H4, नाइट गया G4 स्क्वायर पर। और नाइट के G4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ इस मूव को देख सकें तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो पहले यहाँ पर डूडा ने अपने नाइट को D3 स्क्वायर पर रखा। कह सकते हैं आप, टू पॉन पर पहले से ही डिफेंस हो गया, या फिर नाइट को एक्सचेंज करने की तैयारी है। लेकिन इस बार नाइट एक्सचेंज प्रज्ञानंद ने किया, नाइट Xd3, क्वीन Xd3, क्वीन F6। फाइनली होना ही वही था, पॉन पर अटैक बनना था, तो इसका डिफेंस एफ पॉन पुश। डेंजरस तो है नाइट से, चलिए जो भी है, नाइट को हटाना होगा। गया H6 स्क्वायर पर, देन क्वीन Ie3 स्क्वायर पर, किंग H7, देन किंग H2, रुक आया G8 स्क्वायर पर। और यहाँ पक्की बात है कि अब ब्लैक के इंटेंशंस क्लियर है, वो यहाँ पॉन पुश करेंगे। तो उससे पहले ये पॉन पुश हो, डूडा ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अपनी क्विन को आगे लेकर चलता हूँ, और कनेक्शंस की बात अगर बनती है तो बनाने की कोशिश करता हूँ। क्विन गई वापस D8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स A8, क्विन टेक्स A8। और ऐसा करने के बाद बिशप फिलहाल के लिए अनडिफेंडेड है, क्विन की टेरिटरी इन डेप्थ अच्छी जा चुकी है। डूडा की क्विन काफी अग्रेसिव है, पहुंच चुका है, ठीक है, बिशप पर अटैक है, लेकिन ज्यादा आए जो वाइट किया वो उस पॉन के ऊपर है। क्विन D8, क्विन टेक्स D6 होना ही है, और आगे दो पॉन पहले ही अधर में लटके। लेकिन अब प्रज्ञानंद ने अपने बेसिक गेम प्लान के साथ काम किया, उन्होंने अपने जी पॉन को आगे पुश किया। और जी पॉन आगे पुश होने के बाद आगे इंटेंशंस क्या है, ये बहुत हद तक क्लियर है। किस तरह से ये गेम आगे बढ़े, क्वीन टेक C5 मेरे नजर में बेस्ट मूव है। अगर फर्दर भी पॉन एक्सचेंज होते हैं, जैसे Gx4 अगर होता भी है, तो पॉन को लिया जा सकता है, जब भी ये किंग पड़ा रहने देते हैं उस पॉन को सही स्क्वायर पर। लेकिन चलते हैं, यहाँ जो गेम हुआ था, यहाँ हुआ बिशप H3, और बिशप के H3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, बिशप एक्सचेंज आस्किंग एग्जैक्टली है, लेकिन जी फाइल को ओपन होने से रोकना बड़ा मुश्किल है। यहाँ प्रज्ञानंद ने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया, हालांकि अब भी फिलहाल बिशप अंडर प्रेशर जरूर है। और अगर बाई चांस यहाँ बिशप एक्सचेंज, उसके बाद क्वीन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो व्हाइट को डेफिनेटली एक बहुत अच्छा खासा अपर हैंड मिल जाता है यहाँ से। खैर, Gx4 ले लो अगर आपको इस बिशप को लेना है तो। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट से अगर बिशप के लालच में प्रज्ञानंद जाते हैं क्वीन टेक्स D7 के लिए, तो ऑब्वियस है ब्लैक अपनी क्वीन को G5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ ये चेक मेटिंग थ्रेट दे रहा होगा आने वाले समय। तो दूसरी की ऑप्शन Gx4 की अगर डूडा यहाँ चुनते हैं तो, लेकिन उसके बाद भी Qxh4 होगा, और अगले मूव में आपको यहाँ ये चेक्स के सिलसिले जरूर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर Qxd7 किया भी जाएगा तो Qf2 चेक होगा ही होगा, क्योंकि बिशप पर फिलहाल डिफेंस आ चुका होगा, अदरवाइज बहुत अच्छा मूव बनता। किंग H1 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद नाइट लिया जा सकता है, रुख पर भी अटैक होगा, इतनी देर में रुख बचेगा, यहाँ काफी अच्छे एडवांटेज हैं।
ब्लैक आ चुका होगा। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर डूडा ने किया क्विंट टेक C5, मूव चला थोड़ा सा लेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले किया गया बिशप टेक C3। मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर रिजाइन आ सकता था। आप जरा समझने की कोशिश की क्यों आ सकता था, लेकिन और जो दूसरे मूव चले जा सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एच टेक C3, अगर यहाँ ब्लैक चलता है तो उसके बाद क्या होगा? किंग को G1 स्क्वायर पर जाना होगा और बिशप को छोड़ना होगा। अदरवाइज होना क्या होगा? देखिए, आप बिशप एक्सचेंज करने के बाद किंग को ऐसे स्क्वायर पर पहुंचा देंगे जो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाएगी फॉर वाइट। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ प्रणानंद ने पहले खेला बिशप X3, ठीक है ये मूव भी, लेकिन यहाँ किंग टेक्स S3 की गलती डूडा ने की। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन किंग टेक्स S3 ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। बिशप को बचाना लगभग नामुमकिन था उस पॉइंट पर। खैर, यहाँ रुक G1 जैसी ऑप्शन ऑप्ट की जा सकती थी। खैर, जो नहीं हुआ उसके क्या बात करें। किंग टेक्स S3 होने के बाद हुआ रुक टेक्स G3 चेक, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिशप एक्सचेंज करना यहाँ डूडा की कितनी बड़ी गलती थी। क्वीन ने पॉन पर डिफेंस किया हुआ है, रुक फिलहाल चेक दे रहा है, किंग के जाने के लिए H2 स्क्वायर बचा हुआ है, और चाहे वीडियो को वैसे पॉज करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में आ चुका होगा यहाँ पर फाइनल मूव रमेश बाबू प्रज्ञानंद का क्वीन D7, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली जेन क्रिस्टोफ डूडा को रिजाइन करना पड़ गया। इतना अग्रेसिव गेम डूडा खेल रहे थे, यहाँ चेकमेट करने का मौका प्रज्ञानंद को मिला। फ्रेंड्स, इस चेकमेट को किस तरह से बचा जा सकता है? कोई भी तरीका अवेलेबल नहीं है, नाइट ना ही क्वीन, क्योंकि क्वीन को कहाँ हटाएंगे यार, ये नाइट बैठा हुआ है वहाँ पर जाने के लिए। वेल फ्रेंड्स, फ्रेंड मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर।